नमस्कार दोस्तों, मैं कुबेर पाटीदार। इस वीडियो में यहाँ पर साप्ताहिक MDM जो मेनू चार्ट दर्शाया हुआ है दो पेज में, आए दिन मैसेज आते रहते हैं कि सर इसमें व्हाट्सएप वगैरह पर जो मैसेज चलते रहते हैं, इसमें यहाँ पर मिड डे मील के अंतर्गत सामग्री जो है उसका विवरण किस प्रकार से होता है, इसमें कितनी मात्रा में कैलोरी प्लस प्रोटीन होता है और ये बिल वगैरह जो बनाने में अपन को डिवाइडेशन करना पड़ता है, तो उसके लिए यहाँ पर मेनू जो चार्ट है ये वीडियो आपकी सुविधा के लिए बनाया गया है। इसमें कोई त्रुटि या विरोधाभास की स्थिति में आप विभागीय आदेश कोई अधिकृत माने, इस सप्ताह में दिए जाने वाले भोजन मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाने वाले भोजन का विवरण है यहाँ पर जो साप्ताहिक है, और सप्ताह में किसी भी एक दिन स्थानीय मांग के अनुसार भोजन उपलब्ध करवाया जा सकता है, और इस भोजन में जो प्रोटीन एवं कैलोरी की जो मात्रा होती है वो यहाँ पर दर्शाई हुई है, और सप्ताह में एक दिन छात्रों को फल दिया जाना अनिवार्य है। भोजन पकाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की मात्रा, प्रतिदिन उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन में सामग्री निम्नानुसार होगी, यहाँ पर सामग्री है खाद्यान्न गेहूँ चावल, प्राथमिक कक्षाओं में 100 ग्राम है और उच्च प्राथमिक कक्षाओं में 150, दालें 20 ग्राम और उच्च प्राथमिक में 30 ग्राम, सब्जी पत्तीदार सब्जियों सहित 50 ग्राम, UPS 75 ग्राम, तेल 5 ग्राम और UPS में 7.5 ग्राम, नमक के मसाले आवश्यक अनुसार। और यहाँ जो सेकंड चार्ट दिया हुआ है यहाँ पर मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न व्यंजनों के लिए प्रति छात्र आवश्यक सामग्री का विवरण, मतलब पर हेड जो छात्र की, यहाँ पर क्लास 1 से 5 दिया हुआ है, यहाँ पर क्लास 6 से 8 दिया हुआ है। यहाँ ये दाल रोटी के लिए है जिसमें कितनी मात्रा में क्वांटिटी जो यहाँ पर दर्शाई हुई है, गेहूँ के आटे की कितनी मात्रा यानी कि 100 ग्राम दाल 20 ग्राम फैट ऑयल 5 ग्राम और यहाँ पर उसमें कितनी मात्रा में एनर्जी और प्लस प्रोटीन होना चाहिए इसकी मात्रा दी हुई है, ईंधन की मात्रा यहाँ पर बताई हुई है। यहाँ पर ये जो सेकेंड वाला चार्ट है उसमें यहाँ पर सब्जी रोटी दाल चावल और दाल बाटी और वेजिटेबल पुलाव कम खिचड़ी जो अपन खिचड़ी देते हैं बच्चों को, यहाँ पर दोनों क्लासों का दिया हुआ है, क्लास 1 से 5 एंड क्लास 6 से 8। तो इसके अकॉर्डिंग अपन को डिवाइडेशन करना है। MDM बिल किस तरीके से बनाया जाता है उसका वीडियो मेरे चैनल पर बहुत पहले से अपलोड है, आप उसकी हेल्प भी चाहें तो ले सकते हैं। और ये मेनू चार्ट जो है वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्रदर्शित किया है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।